सो गाइस शुरुआत करते हैं इंटरनेट स्पीड से। तो एपीएन बताने से पहले मैं आज इसकी आपको स्पीड दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे जैसे कि आप इसकी स्पीड देख पाओगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि जो मैं आज आपको एपीएन बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन एपीएन है, जिससे कि हमें काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड मिल जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आप देख पाओगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो लगभग 50 MB 52 MB के आसपास जो है स्पीड आ रही है। हालांकि ये बीच में अप डाउन होती रहती है स्पीड, बट यहाँ पे जैसे कि मीटर ने हमें मैक्सिमम स्पीड दिखाई है वो 52 MB तक दिखाई है। अभी लास्ट में यहाँ पे 39 MB है, बट ये अप डाउन होता रहता है स्पीड के थ्रू। और अपलोडिंग में भी आप देख सकते हो कितनी स्पीड हमें मिलने वाली है। तो अपलोडिंग स्पीड गाइज हमेशा कम ही होती है डाउनलोड स्पीड से, अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग स्पीड होती है। तो जैसे कि आप देख चुके हो स्पीड हमें क्या मिल गई है, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस एपीएन सेटिंग की, ये एपीएन वाली जो एपीएन है इसकी सेटिंग क्या होगी। सो गाइज एपीएन सेटिंग दिखाने और बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपकी इससे मदद होती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपने ऐसे फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा जिसकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम चलती है और जो अपने इंटरनेट से परेशान है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइज। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो इंटरनेट की एपीएन सेटिंग कौन सी है और क्या है। सो गाइज सबसे पहले अपने आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग होती है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट है वो कौन से नेटवर्क पे ऑन है। तो मेरा यहाँ पे जियो फर्स्ट पे ऑन है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको चेक करना है एक्सेस पॉइंट नेम, जो कि लास्ट में होगा। तो मैं एक्सेस पॉइंट नेम को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको स्पीड दिखाई है वो न्यू वाले एपीएन की स्पीड है, क्योंकि जो पहले वाला एपीएन है वो डिफ़ॉल्ट एपीएन है जो जियो का होता है, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये मैंने अभी क्रिएट किया है। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले नेम में आते हैं गाइस, तो नेम में आपको लिखना है मेटा 4G बोल्ड। तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद इसको सेव कर देना है। उसके बाद आते हैं एपीएन पे। एपीएन पे आपको गाइस इसको ध्यान से देखना है ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है सब कुछ कैपिटल में है, VGS 700D, और स्पेस कहीं भी नहीं देना है। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद प्रॉक्सी पोर्ट को छोड़ देना है, इनको नो सेट कर देना है। यूजर नेम पे आते हैं, तो यूजर नेम में आपको लिखना है मेटा 4G, और इसमें कोई गैप नहीं होगा, 4G का जो जी है वो कैपिटल होगा। इसको सेव कर लेना है। फिर आता है पासवर्ड, पासवर्ड को नो सेट कर देना है। सर्वर पे आते हैं तो गाइज वही पहले वाले की तरीके से आपको www.google.com लिख के सेव कर देना है। इसके बाद गाइज आता है MMSC MMS Proxy MMS Port, इन तीनों को नो सेट रहने देना है। MCC MNC आपके एरिया कोड है, इनको बिल्कुल भी ना छेड़े। अगर आप इनसे छेड़खानी करते हो तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। इसके बाद आता है गाइस ऑथेंटिकेशन टाइप पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पे, जो कि है PAPO CHAP पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक से हो जाता है। उसके बाद APN टाइप पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट लिख के आपको ये भी सेव कर देना है। इसके बाद गाइस APN प्रोटोकॉल पे आते हैं, तो APN प्रोटोकॉल में आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है, जो कि लास्ट में होगा। सेम आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है, यहाँ पे भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है, जो कि लास्ट में है। इसको भी जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। उसके बाद गाइस आता है लास्ट BIRC, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अनस्पेसिफाइड पे आपको क्लिक मिलेगा, तो वहाँ से उसको अनटिक करके आपको चूज़ करना है LTE GPRS AVDO/B। इन तीनों को क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, जैसे कि आप बैक जाओगे सेव हो गया सेव। तो गाइस इस वाली सेटिंग को सेव करने के लिए आपको अपने डिस्प्ले पे कहीं ना कहीं सेव या मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ से इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको क्लिक करना है उस वाले एपीएन पे जो कि आपने अभी अभी बनाया है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ सेकंड के लिए आपका इंटरनेट चला जाएगा, फिर तुरंत ही वापस आ जाएगा। और उसके बाद गाइस आपको अपने फ़ोन को जो है रिबूट करना है, रिबूट कर लीजिएगा, स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा, या फिर एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद ऑफ कर लीजिएगा। तो गाइस इस इतना काम करने के बाद जो आप अपने इंटरनेट चलाओगे जब,
तो आपको एक अच्छे वाली और बेहतरीन स्पीड आपको अपने डिवाइस में देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।